फ्रेंड हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दिलवाले मूवी के पार्ट 8 पर। जैसा कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि सटी जो है, सटी ने अजय देवगन की माँ को अपनी माँ बना लिया है और उन्हें वादा दिया है कि अब हम दो भाई हैं और मेरे रहते हुए अजय देवगन को कुछ भी नहीं होगा। और उनकी फाइल जो है कमिश्नर साहब से ले ली है। और उधर जो है तिवारी उनको परेशान भी कर रहे मामा ठाकुर को, इसलिए मामा ठाकुर ने एक नया स्पेशल गुंडा मंगवाया है तिवारी को ठिकाने लगाने के लिए। शायद अब सारे कारोबार में, मतलब सभी के लिए उन्होंने एक स्पेशल गुंडा मंगवा लिया है चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ये तस्वीरें ले लो, मुझे माफ कर दो। फालतू बात नहीं है, तेरा टाइम अप हो गया है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। सुनो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। समझ में नहीं आता, कौन मार सकता है उन्हें? देखो सुनो, रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके ओके सर। अच्छी खासी नौकरी थी उनकी। एक दिन कहने लगे कि बहुत बड़ी रकम लेके आएंगे, मामा ठाकुर के पास काम करते थे ना। उसके बाद वो गायब हो गए। मैं मामा ठाकुर के पास गई, उन्होंने कहा कि वो दौरे पर गए हैं। और आज हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। मैंने बुलवाया है, मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। आपके एक मुलाजिम नाटोर का खून हुआ। हमें नहीं मालूम वो कौन है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कल दोपहर आप कहां थे? हमारे पास सबूत है, कलेक्टर साहब के पास थे, चाहो तो पता करवा लो। कैसे पता रहे हैं? तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जाना। हे, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। हे, क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहाँ है हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। हवेली पे आ जाना। Thank you.
क्या कहा रामसाजा? बोल, फिर से बोल क्या कहा? तूने मेरे किसी बाप पे हाथ डाला? फिर बता। कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब को गाली देता? कमिश्नर विक्रम, अरे क्या कर रहे हैं? बोल गाली दे। विक्रम गाली छोड़ दो। दे गाली। अबे चार साले चोर के बड़वे। अरे विक्रम, कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा। क्या हाहाकार? तेरे बाप का राज है क्या? क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है। क्या बात कर रहे सर? ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। चलिए अभी दिल्ली। मामा ठाकुर मेरी बात सुनिए, ये नया है जो शीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबा पे हाथ डाला है, सबके सामने माफी मांगेगा, मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग विक्रम। ये आप क्या कह रहे सर? विक्रम, मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुझे मैं सर, इस शहर का सबसे बड़ा मुझे। बस मामा ठाकुर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, तुम खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते, माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू सर? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दो। My boy, वर्दी गई तो क्या कर लोगे इसके खिलाफ? My dear boy, मांग दो ना माफी। मतलब कैसे समझा रहे हैं? Sorry, मैं सुना नहीं क्या? लग रहा था ये इस तरह का कुछ करेंगे। I'm sorry. जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। I'm sorry. जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। ए, इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। कमिश्नर साहब, मुझे शख्स का ट्रांसफर चाहिए। तीन दफा उसने आपसे माफी मांगी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की आप तौहीन इस तरह से करते जाएंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये बात दिल्ली तक जाएगी। चलो। खून, खून। थे वो लोग जिन्होंने अरुण पे हमला किया और क्यों? ये तो हम नहीं जानते, पर कल से वो कुछ खून खून कह रहा था। खून खून? कल हमारे वार्डन की गलती से वो वल्लभ भाई चौक पे वैन से भाग गया था। वल्लभ भाई चौक पे? क्या ये हो सकता है कि अरुण ने किसी का खून होते देखा हो? कौन जाने, पर हाँ, इस हमले से पहले उसने अपने सेल की दीवार पे एक तस्वीर बना रखी थी। तस्वीर?
कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन लोगों को अंदर आने दिया? जुल्म किया ना रुपए? बताओ कौन थे वो लोग? बताओ। मामा ठाकुर ने सटी को जो है हवेली पे बुलाया और सटी कह रहे हवेली पे क्या है, हवेली पे क्यों आए, क्या है क्यों आए? बाहर मामा ठाकुर भी तो कह रहे थे कि हवेली पे, हवेली पे, हवेली पे, और वैसे ही वो पूछ रहे थे हवेली पर क्यों आए, हवेली पर क्या है। वो गाना याद आ रहा था, आओ ना हवेली पर। फनी मोमेंट था। और बाद में जो है जब सॉरी बुलवा रहे थे तो कैसे, क्या मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, तीन बार सुनाई कहते ये बात जो है दिल्ली तक जाएगी। और उधर जो है अजय देवगन ने उनका तिवारी का मर्डर होते हुए भी देख लिया है, तो वो जो स्पेशल गुंडे आए थे तो वो कैसे उनका पीछा कर रहे हैं, उन्होंने इतने ढेर सारे पैसे भी दिए मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को कि अंदर जो है अजय देवगन को भी मार सके, लेकिन अजय देवगन जो है पूरा ड्रॉ कर चुके हैं और सब अपनी सेफ्टी। और अजय देवगन ने कैसे अपना बचाव किया, वो जो तलवार लेकर आते हैं और मारते हैं तो कैप जो है अपने बचा बचा कर जो है कैप पे भी नहीं छोड़ दिया, पे तिवारी का मर्डर हो रहा था वहाँ पे भी या फिर अपने मेटल हॉस्पिटल। हाँ, वहीं पे भी सो रहे होते हैं लेकिन जब भागते हैं तो कैप लेके भागते हैं सारे, जो उनके यूनिटी कितनी है मिलते हैं कि वो खून कहते हैं तो सारे उसमें सेल के जो जितने भी थे सब खून खून चिल्लाने लगते हैं। और तभी जो है तभी उनका बचाव भी हो पाता, अगर वो लोग ना चिल्लाते इतना ज्यादा तो शायद कोई ना आता और उनका बचाव भी ना हो पाता। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।